गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वाला जो सेशन देखा था उसके अंदर मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी और ई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में ब्रीफिंग दे देता हूँ। क्लास ए बी सी का जो यूज़ होता है वो लैन एंड वैन नेटवर्क में होता है। क्लास डी का यूज़ होता है रिजर्व फॉर द मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्ट के लिए हम लोग क्लास डी का आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। अगर मैं क्लास ई की बात करता हूँ वो होता है रिजर्व फॉर रिसर्च एंड द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड द ब्रॉडकास्ट। ओके, तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता करना है तो आप जो मैंने यूट्यूब के ऊपर सेशन डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हो। ओके, खैर यहाँ तक तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया था। अभी हम लोग उसके आगे के बारे में सोचते हैं कि उसके आगे में किस तरीके से हम लोग नए वाले चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट। ओके, सी कैसे होता है कि कंप्यूटर को कभी भी समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.10.10.10, वॉट योर आईपी एड्रेस, लाइक 192.168.10.1 ही आईपी एड्रेस डाल दिया मैंने कंप्यूटर के ऊपर। ओके, या किसी कंप्यूटर या पीसी या राउटर या स्विचेस, कोई भी डिवाइस है उसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। क्या कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में आती है? नहीं, कंप्यूटर को बिल्कुल भी ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी फॉर्मेट। ये जो दिख रहा है ना 0101, एग्जैक्टली हम लोग जान लेते कि 0101 क्या होता है। ओके, ये बिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आईपी वर्जन 4 के बारे में बात किया तो सो आईपी वर्जन 4 जो होता है वो होता है 32 बिट फॉर्मेशन, करेक्ट? ओके, 32 बिट फॉर्मेशन होता है, करेक्ट? मीन्स एवरी ऑक्टेट यहाँ पे 8 बिट मिला के एक ऑक्टेट कंप्लीट होता है, करेक्ट? अगर मैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 अगर इस तरीके का कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे मिलता है 32 बिट। सो आईपी वर्जन 4 ये हमेशा 32 बिट होता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 1 होता है और 0 होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। 1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है ऑन बिट को और 0 हमेशा रिप्रेजेंट करता है ऑफ बिट को। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेसिमल आईपी एड्रेस लिया है मैंने 192.168.10.1। ओके, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्मेट। ओके, सो हमें डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट करने से पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए, एक छोटा सा ट्रिक है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल मेंशन किया है जिसके अंदर मैंने कुछ ऊपर के साइड में 1111 लिखा है, करेक्ट? 1111 लिखा है, इसका मतलब क्या किया है मैंने, सभी बिट्स को ऑन रखा है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया 1 इज़ अ ऑन बिट और 0 इज़ अ ऑफ बिट। अगर मैं सभी बिट्स को ऑन करता हूँ तो उसका टोटल कैलकुलेशन कितना आता है, तो हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट कम्युनिकेशन करना है, कन्वर्ट करना है। 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 into 1 2, 2 to the power 2 2 into 2 4, 2 to the power 3 2 into 2 into 2 8, इस तरीके से 2 to the power 7 तक करना है तो आपको ये नीचे वाला वैल्यू मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हमें फार्मूला समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से एक बार देख सकते हैं। 2 to the power 0 1 होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना मत रखो। बिकॉज मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ता था मैं हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि 2 to the power 0 0 ही होगा। ठीक है, 2 to the power 0 1 होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखो, इसको क्लियर रखो। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इन सब का कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ इन द सेंस जो भी मेरे नंबर ऑफ ऑन बिट्स है उसको मैं एडिशन करता हूँ, इस सबको एडिशन करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 2 to the power 7, 2 to the power 7 इज़ अ 128 प्लस 2 to the power 6 64 प्लस 2 to the power 5 32, 2 to the power 4 16, 2 to the power 3 8, 2 to the power 1 2 to the power 2 4, 2 to the power 1 2 एंड 2 to the power 0 इज
वन ओके। अगर मैं इसका टोटल एडिशन करता हूँ तो मुझे मुझे इसका एडिशन मिलता है 255 ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 की बात करता हूँ, अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा आपको पता होगा या तो फिर आपको वो याद होगा तो मैंने बताया था जो आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है 0.0.0.0 से, उसका लास्ट वाला जो होता है वो होता है 255.255.255। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं बट आप ये कंसिडर कर लो, तो ये वाला लास्ट आईपी एड्रेस होता है ठीक है। लास्ट वाला आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है, इसके अंदर के सभी बिट्स ऑन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 के 8 बिट ऑन किया इसलिए मुझे ये मिला। अगर मैं हमेशा एक ऑक्टेट में 80 बिट होते हैं करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने सभी बिट्स ऑन करने के बाद मुझे 255 कैलकुलेशन मिला है। इसका मतलब मैं चाहकर भी कोई भी बिट ऑन या ऑफ कर दो 255 के ऊपर जाना ही नहीं है। तो आप कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस देख सकते हो 256 होता ही नहीं है करेक्ट। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं 192.168.10.1 की, जो कि डेसिमल फॉर्मेट में ठीक है। हम लोग क्या करने वाले, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले ठीक है। तो यहाँ पे एक हमेशा एक रूल याद रखना, जब भी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट में अप्लाई करते हैं तो हमें 2 to the power 7 के साइड से जाते हुए 2 to the power 0 के साइड में आना है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है ठीक है। काफ़ी लोग इस दिशा से स्टार्ट करते हैं, ये गलत होता है ठीक है। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमेशा कंडीशन याद रखना है, जब मुझे 192 का बाइनरी फॉर्मेट डिफाइन करना है, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा अगर मैं 2 to the power 7 का ये फर्स्ट वाला जो बीट है अगर मैं उसको ऑन करता हूँ तो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है क्या ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 to the power 7 तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ इस बीट को, बिकॉज इसका कैलकुलेशन आता है 128, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ 128 ओके। उसके बाद 2 to the power 6 अगर मुझे ये बीट ऑन करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा 128 + 64 का कैलकुलेशन 192 आता है क्या ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस बिट को ऑन करके देखता हूँ और 128 + 64 का कैलकुलेशन करता हूँ, एडिशन करता हूँ ठीक है। सो 128 + 64 इज़ 192 करेक्ट। तो मैं इन दोनों बिट को ऑन कर देता हूँ, 128 + 64 दोनों का एडिशन होता है 192 करेक्ट। यहाँ तक तो मैंने दोनों का ऐड कर दिया। अभी मुझे बाकी के बिट ऑन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो तो मेरा फुलफिल हो गया 192 ठीक है। तो मैं बाकी सब बिट को 0 0 कंसिडर कर दूंगा जो कि मेरे ऑफ बिट्स रहेंगे। हमेशा मैं ऑन बिट्स का ही कैलकुलेशन करता, तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड बिट ऑन है करेक्ट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फर्स्ट एंड सेकंड बिट ऑन है, बाकी जितने भी बिट्स हैं वे सबके सब ऑफ बिट्स हैं ठीक है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट वाले ऑक्टेट को डिफाइन कर लिया, उसका कन्वर्शन कर लिया। सेम एज मैं सेकंड वाले ऑक्टेट के लिए कैलकुलेशन करूँगा। अभी यहाँ पे है 168, 168 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा बीट ऑन करना है। सबसे पहले तो मैं ये बीट ऑन करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे 128 मिल रहा है, सो 128 ओके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आपको देखना पड़ेगा, अभी मैं अगर ये वाला बीट ऑन करता हूँ 2 to the power 6 वाला तो क्या होगा, 128 + 64 तो ये जाता है 192। तो यहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट है 168 का है, तो 192 ये लाइक उससे हायर नंबर हो जाता है, तो मैं मुझे इस बिट को ऑफ रखना पड़ेगा, मुझे इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा ठीक है। तो उसके बाद में मुझे करना है 2 to the power 5, 2 to the power 5 होता है 32, 128 + 32 का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं ओके। 160 होता है करेक्ट। तो मतलब मेरा यहाँ पे ये वाला बिट मुझे ऑन करना पड़ेगा करेक्ट। उसके बाद अगर मैं 2 to the power 4 की तरफ जाता तो 160 + 16 करेक्ट। सो लाइक मेरा 168 के ऊपर चला जाता है, तो मैं मुझे ये वाला भी बिट ऑफ करना पड़ेगा करेक्ट। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले बिट के ऊपर जंप करता हूँ 2 to the power 3, तो अगर मैं ये बिट ऑन करता हूँ तो मुझे आता है 160 + 8, 168। तो मतलब यहाँ तक का मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है करेक्ट। तो अगर मुझे 168 डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 2 to the power 7 वाला एक बिट ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद 0
बिकॉज सेकंड वाला बीट मुझे ऑन नहीं करना है, थर्ड वाला बीट ऑन करना है, उसके बाद फोर्थ नंबर का बीट भी जीरो, उसके बाद नेक्स्ट वाला 2 to the power 3 है वो वाला बीट ऑन करना पड़ेगा, और बाकी सब के सब मेरे जीरो बीट आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1010100, 1010100, इस तरीके से मैंने डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्जन कर लिया। सेम एज आपको फॉलो करना है आई .10 के लिए एंड .1 के लिए। सेम एज आपको चेक करना है कि कौन से बीट ऑन करने से मुझे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्जन मिलेगा। काफ़ी आसान है, आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको ये वाला पता नहीं होगा तो आप नीचे वाले कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसको इग्नोर मत करो, एटलीस्ट समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक या दो बार फिर से ये वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो बात थी हमारी डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट। ओके, अगर हम लोग इसके आगे में जाते हैं तो आपको पता चलेगा हमेशा हर क्लासेस में उसका नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया होस्ट पोर्शन, होस्ट पोर्शन क्या होता है, होस्ट मीन्स यूजर्स, ठीक है। जितने ज़्यादा अगर हमारे पास होस्ट होते हैं तो उतने ज़्यादा हम लोग यूज़र उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क इज अ सेट ऑफ द डिवाइसेस। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया क्लास है, क्लास है में अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने हाईलाइटेड किया रेड कलर में HHH, एच स्टैंड फॉर द होस्ट पोर्शन। ओके, उसके क्लास बी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास बी में है HH, दैट मीन्स टू नेटवर्क पोर्शन एंड टू होस्ट पोर्शन। और क्लास सी की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल एच मिलेगा, मतलब 3 नेटवर्क पोर्शन एंड 1 होस्ट पोर्शन। ओके, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया जितने ज़्यादा होस्ट उतने ज़्यादा हम लोग यूजर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास ए बी सी क्लास ए बी और सी को अगर डिफाइन करता हूँ तो सबसे कम यूजर्स हम लोग क्लास सी में फिट कर सकते हैं, बिकॉज क्लास सी में ओनली लास्ट वाला ऑक्टेट पोर्शन ही एच है, लास्ट वाले में ही होस्ट, लास्ट वाला ऑक्टेट ही हमारा होस्ट है। अगर उसके ऊपर में अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग क्लास सी में, क्लास बी में, क्लास ए में कितने आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास बी की अगर बात करता हूँ सो फर्स्ट टू नेटवर्क पोर्शन, नेक्स्ट वन टू मीन्स थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट इज होस्ट पोर्शन। तो क्लास सी के मुकाबले क्लास बी में हम लोग उससे ज़्यादा भी होस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लास ए का कंपैरिजन करते हैं बी एंड सी के साथ, तो क्लास ए में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन इज द होस्ट पोर्शन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजर्स रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास सी के बारे में बताऊँगा। क्लास सी में मैंने एक आईपी एड्रेस लिया 192.168.1.1। ओके, अगर ये आईपी एड्रेस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1.1 से, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना फर्स्ट 3 नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट 3 ऑक्टेट मेरा एंड तक सेम ही रहेगा, मैं उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, ओनली लास्ट वाले ऑक्टेट में चेंज करूँगा। तो सेकंड वाला आईपी एड्रेस अगर .3, .4 ब्ला 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 .254, .255। सो अगर मैं इसका टोटल कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरे पास 254 आईपी एड्रेस मुझे मिलते हैं यूज़ करने के लिए, अगर मैं क्लास सी की बात करता हूँ तो, ठीक है। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि मेरे पास 100 कंप्यूटर है, 150 कंप्यूटर, 200 कंप्यूटर, 240, 245 कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं उसको रेकमेंडेड करूँगा कि आप क्लास सी का नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लास सी के नेटवर्क में हम लोग मैक्सिमम 254 यूज़र तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका आप टोटल परफेक्ट कैलकुलेशन निकालते हो तो आपको पता चलेगा 256 के ऊपर भी आता है, ओके सॉरी 254 के ऊपर भी आता है। तो जो उसके बारे थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा वो नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, हम लोग मोस्टली वैलिड आईपी एड्रेस को कंसिडर करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है, उसके अंदर में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास सी के बारे में आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्लास बी की बात करता हूँ तो क्लास बी का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया 172.1.1.1। ओके, तो यहाँ पे देख सकते क्लास बी में मैंने फर्स्ट 2 नेटवर्क पोर्शन लिया है, मतलब जो मेरे फर्स्ट 2 ऑक्टेट है वो हमेशा सेम रहेंगे एट द एंड तक, ठीक है। अगर लास्ट 2 ऑक्टेट की बात करता हूँ, ये तो होस्ट पोर्शन है, तो मतलब लास्ट 2 ऑक्टेट में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो एज़ कम्पेयर टू द क्लास सी,
क्लास बी में होश पोषण ज़्यादा है, तो अगर इसका हम लोग टोटल कैलकुलेशन करते हैं अप्रोक्सीमेट 65,535 अप्रोक्सीमेट। इतने सारे आईपी एड्रेस हमें मिलते हैं जो हम लोग क्लास बी में यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको किसी ने रिक्वायरमेंट दिया कि मेरे पास 10,000 आईपी एड्रेस है तो मैं कौन सा क्लास यूज़ कर सकता हूँ, तो आप उसको रिकमेंडेड कर सकते हो, क्लास बी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मेरे पास 500 आईपी एड्रेस है, तो अगर मैं उसको बोलता हूँ कि आप क्लास सी का यूज़ कर सकते हो, क्लास सी का नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्लास सी के एक नेटवर्क में मिनिमम मैक्सिमम 254 यूज़र ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो 500 का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि क्लास सी, क्लास बी और क्लास ए में कितने यूज़र्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग जम्प करते हैं क्लास ए के ऊपर। क्लास ए में फर्स्ट पोर्शन इज़ द नेटवर्क एंड लास्ट थ्री पोर्शन इज़ होस्ट पोर्शन, मतलब यूजर्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नेटवर्क पोर्शन मतलब हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट को कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद में लास्ट में जो थ्री होस्ट पोर्शन है हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करूँगा तो शायद मेरे 10, 15, 20, 40 पेजेस भर जाएंगे, बट ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगा। सो अप्रॉक्सीमेट 16 मिलियन, अगर हमारे पास इतना रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्लास ए का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्लास सी के। अगर किसी ने मुझे बोला कि मेरे पास 250 तक यूज़र्स है, क्या मैं क्लास ए का नेटवर्क यूज़ कर सकता हूँ, हाँ वो क्लास ए का नेटवर्क यूज़ कर सकता है, बट क्लास ए में नेटवर्क इतना बड़ा है, होस्ट इतने ज़्यादा है, तो इतने होस्ट की ज़रूरत नहीं होने के कारण हम लोग ये वाला क्लास ए का नेटवर्क सॉल्यूशन प्रिफर नहीं करते, ठीक है। अगर मैंने ये सॉल्यूशन भी दे दिया उनको, तो उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो जो कि वेस्टेज चले जाएंगे। इसके लिए भी एक कंसेप्ट आता है सबनेटिंग, एफएलएसएम, वीएलएसएम का, वो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन फ्यूचर। सो बेसिकली हमें यहाँ पे इतना ही याद रखना है, अगर मैं क्लास सी का यूज़ करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट 254 आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी की बात करता हूँ तो 65,500 एंड समथिंग आई पी एड्रेस होते हैं, अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ मैं, उतने हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लास ए की बात करता हूँ तो 16 मिलियन आई पी एड्रेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन क्या होते हैं, ठीक है। नेटवर्क पोर्शन हमेशा फ्री जो होता है, हम लोग उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क 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 लिखा है, तो हमेशा ये फर्स्ट थ्री ऑक्टेट सेव करेगा, मतलब इसके अंदर चेंजेस नहीं करेगा। अगर क्लास बी की बात करता तो फर्स्ट टू ऑक्टेट को चेंजेस नहीं करेगा, क्लास ए की बात करता हो तो फर्स्ट ऑक्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर ये चेंज होता है तो वो डिफरेंट नेटवर्क डिफाइन होता है, ओके। अभी क्लास सी का, अगर मैं क्लास सी के बारे में अगर बात करता हूँ, तो क्लास सी का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0, बिकॉज इसके फर्स्ट थ्री पोर्शन इज नेटवर्क, तो नेटवर्क हमेशा फुल रहता है, इसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं करते, इसलिए 255.255.255। अभी ये 255 कहाँ से है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर मैं सबका एडिशन करता हूँ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी बिट्स को मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे मिलता है 255, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। सेम एज फॉर क्लास बी, फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट इज नेटवर्क, सो हमेशा 255.255 कांस्टेंट रहेगा, फ्रिज रहेगा, इसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट टू ऑक्टेट है, हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द होस्ट पोर्शन। क्लास एक में के बारे में भी सेम, फर्स्ट इज़ अ नेटवर्क पोर्शन, आपको अभी पता चल ही गया कि 255 कहाँ से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास ए, बी और सी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया, जैसे कि मैं और एक थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं आई पी कॉन्फिग स्लैश ऑल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आई पी एड्रेस है 192.168.102.1, ओके। यहाँ पे जो आई पी एड्रेस दिया है, अगर आप चेक कर सकते हो तो यह है 192, मीन्स क्लास सी का आई पी एड्रेस, तो इसने ऑटोमेटिकली क्लास सी का सबनेट मास्क लिया है, करेक्ट। 255.255.255.0 मतलब फर्स्ट थ्री ऑक्टेट हमेशा नेटवर्क रहेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो 255.255.255.0, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड वैलिड आईपी एड्रेस। मैं चेक कर लेता सेशन चलेगा, कोई नहीं, ओके। सब उसके बारे में उसके बाद में बात करता हूँ नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड द वैलिड आईपी एड्रेस, ओके। सो सबसे पहले व्हाट इज़ द नेटवर्क आईडी, ओके।
मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी लाइक 20 मिनट्स का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है मैं नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में कवर करूँगा। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।